टेक टू पुष्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग कोई एलईडी टीवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि आने वाले 10 से 15 दिनों में अलग अलग ब्रांड की डिफरेंट साइज की एलईडी टीवी मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको 32 इंच की, 43 इंच की, 50 इंच का और 55 इंच की एलईडी टीवी देखने को मिल सकती हैं। और पहली बार आपको 32 इंच की जो एलईडी टीवी है ना, वो फुल एचडी रिजोल्यूशन के साथ देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी आप लोग सर्च करते होंगे, ज़्यादातर जितनी भी 32 इंच की एचडी एलईडी टीवी होती हैं वो सब एचडी रिजोल्यूशन के साथ आती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 32 इंच की एलईडी टीवी फुल एचडी रिजोल्यूशन के साथ देखने को मिलेगी। तो आज के वीडियो में बात करते हैं कि कौन कौन से ब्रांड के एलईडी टीवी आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, क्या प्राइस होगी, किस फीचर्स के साथ आएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, डिटेल्स में बात करते हैं। तो जो सबसे पहले एलईडी टीवी लॉन्च होने वाली ये है एमआई स्मार्ट टीवी 5A। ये जो लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी एमआई स्मार्ट टीवी 4A, उसका इसको सक्सेसर बोल सकते हैं। इसकी लॉन्चिंग 27 अप्रैल को होने वाली है। यहाँ भी आपको डिफरेंट साइज़ की एलईडी टीवी देखने को मिल सकती है, जैसे 32 इंच, 43 इंच या फिर 50 इंच की भी। ये भी एलईडी टीवी बेजलेस डिजाइन के साथ आएगी। 60Hz रिफ्रिजरेट यहाँ पे मिलेगी आपको, HDR10 के साथ आएगी। मतलब जो पिक्चर क्वालिटी आपको मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। और इसके साथ ही साथ डॉल्बी एटम्स का सपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, मतलब जितने भी OTT प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन है उन सभी को ये वाली टीवी सपोर्ट करेगी और क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आएगी। तो मतलब अगर आपको कोई 32 इंच की या 43 इंच की एमआई टीवी चाहिए तो आप लोग इसके लिए वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एलईडी टीवी लॉन्च होने वाली ये है रियलमी स्मार्ट टीवी एक्स फुल एचडी। इसकी लॉन्चिंग 29 अप्रैल को होने वाली है। इसमें आपको दो साइज देखने को मिलेंगे, एक 40 इंच, एक 43 इंच फुल एचडी। तो इसकी प्राइस लगभग मुझे लगता है 22,000 से शुरू होगी और उसके बाद 28,000 या 29,000 रुपये के आसपास हो सकती है। इसमें भी आपको प्रीमियम बेजलेस डिजाइन देखने को मिल जाएगी और ये भी एलईडी टीवी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगी। और यहाँ पे आपको 24W के क्वाड कोर स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा विद डॉल्बी एटम्स, मतलब जो साउंड क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसमें आपको मिलेगी। और इसके साथ ही साथ इसमें आपको HDR10 का सपोर्ट मिल जाएगा, क्रोमकास्ट इनबिल्ट मिल जाएगा और क्रोमा बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आएगी और OTT प्लेटफॉर्म के जितने भी एप्लीकेशन हैं सभी को सपोर्ट करेगी, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगी। तो ये वाली भी एलईडी टीवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपके लिए साबित हो सकती है। थर्ड जो एलईडी टीवी लॉन्च होगी ये है मोटोरोला रेव्यू 2 सीरीज। क्योंकि कुछ साल पहले एक इनकी सीरीज लॉन्च हुई थी मोटोरोला रेव्यू, उसमें इन्होंने कई सारी एलईडी टीवी मार्केट में पेश की थी। तो इस सीरीज के थ्रू यहाँ पर भी आपको फुल एचडी रिजोल्यूशन वाली और अल्ट्रा एचडी रिजोल्यूशन वाली कई सारी एलईडी टीवी मार्केट में देखने को मिल सकती हैं, जैसे 32 इंच, 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच तक की एलईडी टीवी इस बार देखने को मिल सकती हैं। वैसे इसकी लॉन्चिंग डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आने वाले 10 दिन में या 15 दिन के अंदर ये भी लॉन्च हो जाएगी। यहाँ पर आपको प्रीमियम बेजलेस डिजाइन देखने को मिलेगी, HDR10 का सपोर्ट मिल जाएगा, क्रोमकास्ट इनबिल्ट मिल जाएगा, क्रोम बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आएंगी और एंड्रॉयड 11 यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। जितने भी OTT प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन है उसको ये वाली एलईडी टीवी सपोर्ट करेगी, डॉल्बी विजन्स के साथ आएगी और डॉल्बी एटम्स का भी सपोर्ट इसमें मिल जाएगा, मतलब साउंड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको यहाँ इस वाली एलईडी टीवी से मिलने वाली है। तो इसके लिए भी आप लोग वेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई 32 इंच की फुल एचडी वाली एलईडी टीवी चाहिए तो आपको इसके लिए ज़रूर रुकना चाहिए। जो फोर्थ एलईडी टीवी लॉन्च होने वाली ये है नोकिया टीवी सीरीज 2022। इसकी लॉन्चिंग 3 मई को होने वाली है। इसमें भी आपको फुल एचडी रिजोल्यूशन वाली और अल्ट्रा एचडी रिजोल्यूशन वाली एलईडी टीवी मार्केट में देखने को मिल सकती है, जैसे 32 इंच, 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच तक की एलईडी टीवी इसमें भी आपको यहाँ पर मार्केट में देखने को मिल सकती है। ये भी एलईडी टीवी प्रीमियम बेजलेस डिजाइन के साथ आएगी और यहाँ पे 24W के आपको स्पीकर का स्टीरियो सपोर्ट मिल जाएगा, डॉल्बी एटम्स के साथ आएगी, डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है, क्रोम बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आएंगी और एंड्रॉयड 11 यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, मतलब जितने भी OTT प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन है ये वाली भी एलईडी टीवी उसको सपोर्ट करेगी। तो 32 इंच की एलईडी टीवी फुल एचडी वाली चाहिए तो आप लोग इसके लिए भी वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थे 4 अलग अलग ब्रांड की स्मार्ट एलईडी टीवी जो आपको 10 से 15 दिनों में मार्केट में देखने को मिलेंगी। अब सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइसिंग की, कि प्राइसिंग किसकी कितनी होगी, क्योंकि अलग अलग ब्रांड की अलग अलग प्राइसिंग होती है। जैसे रियलमी की आप लोग टीवी देखते होंगे 32 इंच की, उसकी प्राइस लगभग 14,000-15,000 रुपये से शुरू होती है। उसके बाद नोकिया की अगर आप 32 इंच में चले जाएंगे तो उसकी प्राइस 18,000-19,000 रुपये से शुरू होती है। वैसे ही मोटोरोला की भी आपको प्राइस देखने को मिलेगी। तो अलग अलग ब्रांड की अलग अलग प्राइसिंग होती है। बाकी ये वाली जो टीवी सीरीज लॉन्च होगी, अगर इसकी प्राइस एग्रेसिव होती है, काफ़ी अच्छी होती है, मतलब जितनी हाई रहती है उससे थोड़ा सा कम होती है, आपके बजट में रहती है, तो नो डाउट ये वाली एलईडी टीवी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है। क्योंकि सभी में फीचर्स कमाल के मिल जाते हैं, HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है, क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाता है, जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिल जाती है।
बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको इनमें से किस ब्रांड पे ज़्यादा ट्रस्ट है या फिर किस ब्रांड की आप लोग एलईडी टीवी परचेज करना पसंद करोगे, या इस वीडियो से रिलेटेड आपके में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आप या फिर कोई सजेशन हो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में।